हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस अग्रवाल और आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम SOL का बीकॉम हॉनर्स स्टूडेंट्स का पेपर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इसे या फिर हम कह सकते हैं कंपनी अकाउंटिंग। ये पेपर में आपका क्या सिलेबस रहने वाला है वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं वो आज की वीडियो में हम देखेंगे, और कैसे हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको टिप्स देने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पेपर एक दिन पहले तक उनको सिलेबस ही नहीं पता होता कि भाई सिलेबस क्या है। तो सिलेबस मस्ट है, आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। और दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए कई सारी ऐसे वीडियोस बना रखी है ऑलरेडी, जिसमें मैंने आपको इस सिलेबस से रिलेटेड टिप्स दे रखी है, तो आप उनको भी ज़रूर से ज़रूर रेफर कीजिए, जिसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा सेकेंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी, जब तक कि आपके पेपर ख़त्म नहीं हो जाते हैं दोस्तों। तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि आपका जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर है वो 75 मार्क्स का रहने वाला है। इसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे और आपकी जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स और यूनिट इसके अंदर है वो है 8 यूनिट्स, मींस 8 चैप्टर आपके इसके अंदर आएंगे, जो कि आपको अच्छी तरह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करके जाने हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आपकी पहली यूनिट क्या है। आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसके अंदर आपका मोस्टली 12th क्लास की जैसा ही है, आपको ज़्यादा कुछ इसमें टाइम डोनेट नहीं करना है, आप जस्ट रिविजन भी कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस वाले चैप्टर को करने में। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर आपका क्या है। इशू फॉरफिटशेयर एंड री इशू ऑफ फॉरफिट शेयर, मतलब आप पहले फॉरफिट करते हैं फिर उसको री इशू करते हैं। फिर इशू ऑफ राइट्स एंड बोनस शेयर्स, से भी गाइडलाइंस क्या है इसके अंदर, कंसेप्ट्स क्या है आपके ऑफ बुक की बिल्डिंग के, डीमैट शेयर क्या होते हैं, एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम क्या है आपकी, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड बायबैक ऑफ शेयर्स, ये आपका आता है यूनिट 1 के अंदर। अगर मैं बात करूँ इस यूनिट के अंदर आपका क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो देखिए ये आपकी एक बेसिक ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। इसके अंदर आपको जनरल एंट्री जो है बिल्कुल बेसिक लेवल की है, आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आएगी तो आपको आगे दिक्कत हो सकती है दोस्तों। तो इसकी जनरल एंट्रीज लेज़र जो भी है आपके वो अच्छी तरह आनी चाहिए। हाँ, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है ESOS में, ये आपको पता होना चाहिए, इसका कंसेप्ट आपको अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। बायबैक ऑफ शेयर, तो मैं तो यही कहूँगा आपको फर्स्ट यूनिट अच्छी तरह आनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, जस्ट आपको रिविज़न करना है। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट थे तो ये यूनिट भी काफ़ी ईजी है, आप ईजिली कर लेंगे दोस्तों। अब हम आते हैं यूनिट 2 के अंदर, मीन्स चैप्टर 2 के अंदर। अंदर देखिए आप क्या है, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, मतलब पहले आपको इशू करना सिखाएंगे कि आप कैसे इशू कर सकते हैं डिवेंचर और कैसे रिडम्पशन करेंगे, उसकी जनरल एंट्रीज क्या है, उसके अकाउंट्स कैसे बनते हैं, ये सब आप इसके अंदर देखेंगे इस वाले चैप्टर के अंदर। ये भी इवन आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ रखा है दोस्तों, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, बिल्कुल आपको सिमिलर प्रोसेस है, आपको वैसे जनरल एंट्रीज करनी है। उसमें भी मैं यही एक्सपेक्ट करके चलूँगा कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, आपको जस्ट रिविजन करनी है, ठीक है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर, इसका नाम है आपका फाइनल अकाउंट्स। देखिए इसके अंदर आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज, एक्सक्लूडिंग कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रेमुनेशन, डिस्पोजल ऑफ कंपनी प्रॉफिट। ये था आपका चैप्टर नंबर 3, मतलब यूनिट नंबर 3, ठीक है। देखिए आपको मैं पहले ही बता दूँ कि आपको जो है इसमें 8 यूनिट है, 8 की 8 यूनिट करके जानी है दोस्तों। कुछ नहीं पता है कि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी चैप्टर को ही छोड़ कर चले जाएँ। चैप्टर को आपको सारे करके जाने हैं, कंसेप्ट आपको सारे एक बार तो एटलीस्ट करके जाने हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताइए, तो आपको आप एबल होगी आप उसमें लिख सके दोस्तों। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको कम से कम कंसेप्ट क्लियर हो, जिससे कि आप पेपर कम से कम अटैम्प्ट तो कर सके। ऐसा तो ना हो कि वो जो वर्ड आ रहा है उसके बारे में आपने कभी देखा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, तो आप कैसे लिख के आ पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए दोस्तों हर एक चीज़ का, ठीक है। और वैसे भी तो अकाउंटिंग का पेपर है, आपको समझ समझ के सब कुछ करना है दोस्तों। जो चलिए अब देखते हैं यूनिट नंबर 4 में आते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ठीक है।
उसके अंदर हम देखेंगे कैसे हम वैल्यू करें, कैसे हम वैल्यू डिफाइन करें कि हमारी गुडविल की वैल्यू क्या है एंड गुड शेयर्स की वैल्यू क्या है। देखिए इसके अंदर है कंसेप्ट ऑफ एंड कैलकुलेशन सिंपल प्रॉब्लम ओनली, मतलब सिंपल प्रॉब्लम्स होगी। देखिए इसके अंदर मैं क्या बताऊँ आपको इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर चीज़ें इंपॉर्टेंट ही हैं। आप चैप्टर खोल के देखिए और आपको खुद ब खुद आपके इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं, है ना। अब ये फिफ्थ चैप्टर जो आ रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, ठीक है, आपके एग्जाम में, ठीक है। इसके अंदर आता है एलिमिनेशन ऑफ कंपनी, मतलब दो कंपनी जब मिलके एक कंपनी बन जाती है उसे कहते हैं एलिमिनेशन। अब देखिए इसके अंदर आपका आता है कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ICAI की जो दे रखी है उसके अंदर। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्सक्लूडिंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अब देखिए ये आपका है एलिमिनेशन का चैप्टर, ये इसमें से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके जो फर्स्ट आपके जो टॉपिक बनते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। कंसेप्ट बताइए एंड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, ये तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताइए आप एज पर ICAI, इसका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका बन सकता है और बाकी प्रैक्टिकल है वो तो आप करके जाएंगे ही जाएंगे। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 6 के अंदर जो कि है आपका अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज, इसके अंदर आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट विद वन सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, एक सब्सिडरी कंपनी के साथ रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 ICAI, ये आपका आता है यूनिट नंबर 6 के अंदर। अंदर आपको इवन पता होना चाहिए कि कैसे हम बैलेंस शीट बनाएं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाएं, इसके अंदर उसको आपको पता होना चाहिए। तो और आपको प्रोविजंस पता होने चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्या है, ICAI के AI के जो गिवन है आपकी बुक में, ये सब कुछ दे रखा होगा दोस्तों। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 7 के जिसको कि है आपकी बैंकिंग कंपनीज, इसके अंदर आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट फ्रॉम अ गिवन ट्रायल बैलेंस, मतलब कि आपको एक ट्रायल बैलेंस इसके अंदर क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके आपको क्या बनाना है एक फाइनल अकाउंट बनाना है उस ट्रायल बैलेंस की मदद से, तो ये आपको आना चाहिए दोस्तों। इस वाले एक चैप्टर के अंदर आप ये सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, मतलब कि NPA, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट और लास्ट यूनिट के अंदर जो कि आपकी यूनिट नंबर 8 है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है दोस्तों। कंसेप्ट ऑफ फंड्स प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज ICAI इनडायरेक्ट मेथड ओनली, मतलब इसके अंदर आप इनडायरेक्ट मेथड से कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, कैश फ्लो का निकाल सकते हैं वो आप देखेंगे। तो ये थी आपकी लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट कैश फ्लो स्टेटमेंट वाली, आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का फुल सिलेबस दोस्तों। इसके अंदर मैं आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं बता पाया क्योंकि एज पर माई ओपिनियन तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपकी इंपॉर्टेंट है ही और एग्जाम में आपकी ज़्यादातर टॉपिक्स में से आ रखी हैं दोस्तों, इस वजह से मैं नहीं बता पाया क्योंकि, लेकिन मैंने कई सारी जिसमें मैंने आपकी वीडियो बनाई है मैंने आपको सब में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। तो आपसे मैं यही एक्सपेक्ट करके चलूँगा कि आप एक बार ज़रूर से ज़रूर इस पूरे चैप्टर्स को करके जाइए। 12th क्लास में भी आपका काफ़ी कुछ कर रखा है, आपको बेसिक नॉलेज है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के ऊपर, तो आपको ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगने वाला है। थ्योरी में भी ध्यान रखिए प्लस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी ध्यान रखिए और मस्ट है आपका पिछले 10 साल के क्वेश्चन करके जाने हैं आपको, मस्ट है ये आपको करके जाना ही है क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं दोस्तों, तो आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चन करके जाने ही जाने हैं। अपनी प्रिपरेशन को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर में बेस्ट रखनी है दोस्तों, काफ़ी अच्छी रखनी है जिससे कि एग्जामिनर में एक अच्छा इम्पैक्ट बचे आपकी सीट को देखकर। आप मेरी वीडियोस रेफर करें, मैंने कई सारी वीडियोस ऐसे SQL से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट के ऊपर बना रखी है और मैं बनाता रहूँगा आपके एग्जाम होने तक। तो चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए जिससे कि मैं उस टॉपिक में वीडियो बना सकूं दोस्तों और आपकी मदद हो सके। तो आप मेरे को ज़रूर से ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा जिस रेलिवेंट टॉपिक्स में जो कि आपको हेल्पफुल हो सकती है दोस्तों, आप उनको भी रेफर कीजिए और आप मेरा चैनल जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।